बीच आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें, इसका रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात यहां पर मिली है, तो बड़ी जानकारी आपको दे दें। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई है, खजुराहो में मिलेगी फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी। जी हां, बड़ी जानकारी आपको दे दें, कैडेट्स को नहीं लेना होगा विदेश में प्रशिक्षण। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पूरे देश में 8 एकेडमी खुलेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है, एकेडमी खोलने से लोगों को रोजगार भी यहां पर मिलेगा। और आपको बता दें कि जो कैडेट्स हैं उन्हें विदेशों में जाकर अब ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी के साथ इसी बीच मध्य प्रदेश को भी ये बड़ी सौगात मिली है, खजुराहो में फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो खुलेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कैडेट्स को अब विदेशों में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी बीच हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। बीडी जी, जिस तरीके से यहां पर यह बड़ा फैसला लिया गया है, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश को एक सौगात, बड़ी सौगात, और तमाम रोजगार जो है वो भी उत्पन्न होगा। किस तरीके से रोजगार यहाँ पर आम जनता को दिया जाएगा और किस तरीके से कब तक ये पूरा खाका बनकर तैयार होगा? बीडी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जी और हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह जी पुरी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो को पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 आइकॉनिक सिटी में शामिल किया। अब देश के 5 बड़े शहरों में जो फ्लाइंग एकेडमी जो शुरू हो रही है, जिसमें एक वैश्विक पायलट प्रशिक्षण का जो केंद्र बनेगा, उसके लिए खजुराहो को चुना है। इसके लिए इस क्षेत्र के नौजवानों को, बुंदेलखंड के लोगों को पायलट बनने के अवसर तो मिलेंगे ही, रोजगार के भी बड़े अवसर इससे उपलब्ध होंगे। और इससे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय उड्डयन मंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बीडी जी, आप आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब तक ये एकेडमी बनकर तैयार होगी? काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया है, एजेंसी तय हो गई, सारी चीजें शुरू हो गई। जी बीडी जी, सारी चीजें तैयार हो गई, लेकिन वहीं पर ये एक बड़ी बात, एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए है और मध्य प्रदेश की जो जनता है उन्हें भी एक रोजगार का अवसर जो है वो प्रदान होगा। ये सारी बातें, लेकिन यहाँ पर बीडी जी आपसे कोरोना को लेकर भी जानना चाहेंगे, किस तरीके से इस वक्त प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर चिंतित है और तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, कोरोना आज मध्य प्रदेश के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट का एक बड़ा सेटअप मध्य प्रदेश की सरकार ने आइडियल तौर पर जो शुरू किया गांव गांव तक, उसका परिणाम ये कि आज हम कोरोना के इस संकट से बाहर निकल रहे हैं। जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में अभी कल ही सारे दौरे करके लौटा, तो तीनों जिलों में से कहीं एक आध दो केस अब आ रहे हैं, बाकी सभी जगह पर अब हम इससे निजात पाने की ओर हैं। और बाकी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के सब चीजों की सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं, कैसे हम इसको ये करें, सब व्यवस्थित तरीके से सरकार ने, संगठन ने मिलकर के इसको बेहतर किया और मुझे लगता है हम इसे जल्दी ही निजात पाएंगे। जी शर्मा जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था, बयान दिया था कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहा है आम जनता को, आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो चुका है? कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, हम लोगों ने कहा था जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने क्राइसिस मैनेजमेंट में सभी दलों को शामिल किया जी, और ये कोरोना का संकट कोई राजनीतिक संकट नहीं है, इसमें तो सबको मिलकर के साथ में काम करना चाहिए जी, ये हमने कहा भी था। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के लोग केवल आलोचना और कहां रेड पेंसिल अप्रोच करके कहां गलतियां ढूंढ सकते हैं, इसी काम में वो लगे हैं, तो इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों ने यही कहा कि भाई आप कुछ काम करेंगे, सेवा के काम में आप भी मदद करेंगे तो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा होगा। वो उन्होंने किया नहीं, ये उनका काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बूथ बूथ पर, गांव गांव में इस काम में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बीडी शर्मा जी, जिस तरीके से पूरा कोरोना काल जारी है, हम भी यही चाहते हैं कि लगातार जो तमाम नेता हैं अपने क्षेत्रों में जाएं और आम जनता के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया बीडी शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।